सपने देखो, सपने बड़े देखो, क्योंकि सपने सच होते हैं। यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, यही सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था, और वही ध्रुव जुरेल ने कर दिखाया इस मुकाबले में, जहां भारत एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच हार जाएगी, लेकिन ध्रुव जुरेल ने भारत को इस मुकाबले में लौटाया, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई। नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है, जिसके चौथे मुकाबले के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। क्या कमाल का मुकाबला था, क्या कमाल का टेस्ट मैच था। सेशन दर सेशन मुकाबले का रंग रूप बदल रहा था, कभी इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा तो कभी भारत का, लेकिन अंततः भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। युवा खिलाड़ियों ने एक बार फिर वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए भारत के युवा जाने जाते हैं, और लगातार भारत ने 17वीं टेस्ट श्रृंखला अपने नाम की है। एक दशक से भारत में दबदबा रहा है और ये दबदबा आगे भी कायम रहे। अगर इस पूरे मैच की बात करें तो टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले ही सेशन में गंवा दिए 5 विकेट, क्योंकि अपना पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने ड्रीम स्पेल डाला और 3 विकेट चटकाए। वहीं उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की जो रूट के शतक के बदौलत। जो रूट ने एक बार फिर बता दिया कि जब भी जो रूट पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सेंचुरी लगा देते हैं। 122 रन बनाए रूट ने और नॉट आउट भी रहे। उनके अलावा फोक्स ने 47 और रॉबिन्सन ने 58 रनों की महत्वपूर्ण बारी खेली और इंग्लैंड ने बना लिए 353 रन, जवाब में भारत सिर्फ 307 रन ही बना पाए। उसमें भी अपना दूसरा मैच खेल रहे ध्रुव जुरेल की एक शानदार पारी, एक यादगार पारी आई जिसमें उन्होंने 90 रन बनाए और उनका साथ दे रहे थे कुलदीप यादव, यानी 7 विकेट गिर चुके थे। कुलदीप यादव ने 131 गेंदें खेली। कुलदीप यादव ने वहीं इसके अलावा जायसवाल ने भी 73 रन बनाए थे, जहां 80-90 रनों की लीड हो सकती थी वो रह गई मात्र 46 रनों की। उसके बाद जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा। अश्विन और कुलदीप ने ज्यादा देर ज्यादा कुछ करने नहीं दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को और इंग्लैंड दूसरी पारी में मात्र 145 रनों पर सिमट गए। और अब भारत को जीत के लिए चाहिए था 192 रन, जिसे भारत ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहले रोहित और जायसवाल ने शानदार शुरुआत की, हालांकि उसके बाद भारत ने कुछ विकेट जल्दी खोए, लेकिन शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने एक शानदार साझेदारी की और भारत की जीत को सुनिश्चित की। मुश्किल में आई जरूर थी भारतीय टीम जब 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन गिल और ध्रुव ने संभाल लिया और अंत भला तो सब भला। इस मैच के परफॉर्मेंस की बात करें तो रूट का शतक, आकाशदीप का ड्रीम डेब्यू, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल की पारी, सोएब बशीर का फाइफर और उसके बाद अश्विन का पंजा, कुलदीप के 4 विकेट, क्रॉली, रोहित और गिल का दूसरी पारी में अर्धशतक, कमाल का रहा ये मैच, कमाल की रही है अब तक ये श्रृंखला। अभी एक और मुकाबला बाकी है जो 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाए। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24।